तो फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये हमारे बाइक की बैटरी है जो आपकी एक्साइट कंपनी की है। तो दोस्तों आज हम इसे रिपेयर करके आपको दिखाएंगे बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों सबसे पहले इसके प्लास्टिक को निकाल लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों प्लास्टिक को उचारा जा रहा है जो इसका कैप है, आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ से आपको इसी प्रकार से निकाल लेना है। दोस्तों बढ़िया तरीके से निकालेंगे ताकि वो जो उसका ढक्कन है वो टूटे ना, ठीक है, ताकि हमें दोबारा उसमें बैठाना है ना दोस्तों। तो इसीलिए इसे आपको ध्यान रखना है कि आपको अच्छे तरीके से निकालना है ठोक ठोक के अच्छे तरीके से। जब निकल जाए दोस्तों तब आगे हम आपको बताएंगे किन किन चीज़ों का आप उपयोग करेंगे कि आपकी बैटरी बन सके, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये हमारी बैटरी का कवर धीरे धीरे निकल चुका है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, देखते रहिए, देखिए बैटरी कैसे रिपेयर की जाती है। तो फाइनली दोस्तों आज हम आपको बताएंगे ख़राब हुई बैटरी को कैसे ठीक किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये दोस्तों हमारी बाइक की बैटरी है जिस पे लिखा हुआ है एक्साइट, ये एक्साइट कंपनी की दोस्तों बैटरी है, ये अच्छे तरीके से बाइक को स्टार्ट नहीं कर पा रही है। तो आज हम इसे रिपेयर करके दिखाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले इसके कैप को खोल लिया गया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो टोटल आपको 7 होल दिखेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये बड़ा वाला जो होल है आप देखेंगे 7 होल। तो आज दोस्तों इसे बनाने के लिए हम क्या क्या किन किन चीज़ों का उपयोग करेंगे आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप दोस्त देख सकते हैं ये हमारा है 1250 एसिड आपको ले लेना है। इससे किसी भी कटे या गिलास या फिर किसी भी चीज़ में आप इसे निकाल लेंगे। और उसके साथ साथ सबसे पहले दोस्तों आपको एक सिरंजी ले लेनी है, ठीक है, थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना है आपको, सिरंजी के द्वारा इन छेदों में डालना है कहने का मतलब। तो इसके साथ साथ आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ है खाने वाला सोडा, दोस्तों इसका भी यूज किया जाएगा इस बैटरी के अंदर, ठीक है। तो इसे डालना स्टार्ट करिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो 1250 एसिड है इसे हमें बड़े वाले होल में पहले डालना है और ये सोडे को 6 खाने में डालना है, जो 6 प्रकार के खाने हैं सबके अंदर आपको इसको दोस्तों डालना है थोड़ा थोड़ा करके। और आज हम इस बैटरी को ठीक करके आप लोगों को दिखाएंगे। बस बहुत है, 2 सिरंजी दोस्तों आपको सबसे पहले 1 सिरंजी इसके अंदर डाल लेना, बस मत डालिए थोड़ा थोड़ा। आप देख सकते हैं दोस्तों थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ये पकना भी स्टार्ट हो चुका है। अब हमें 6 छेद के अंदर आपको एक एक सिरंजी ये हमारा जो 1250 एसिड है इसको दोस्तों इसके अंदर डालना है। अंदर करके दोस्तों धीरे धीरे डालना है बढ़िया तरीके से ताकि बाहर ना आ सके। भर गया सर, ये भी तो भरा है। तो उसके बगल में डालिए धीरे 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 डालना दोस्तों। 6 होल के अंदर आपको ये 1250 एसिड को डाल लेना है। डालने के बाद आपको क्या करना है आगे हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। दोस्तों आपको बैटरी का नॉर्मल पानी बिल्कुल यूज नहीं करना है, जो आपको बताया जा रहा है 1250 एसिड आप उसी का इस्तेमाल करेंगे। ये दोस्तों मार्केट में आपको एक डिब्बे की कीमत लगभग 30 से 40 रुपये तक उपलब्ध है। तो फाइनली दोस्तों हम 4 होल के अंदर ये एसिड को डाल चुके हैं, अभी 2 होल और बचे हैं, दोनों होल के अंदर डालेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बैटरी के अंदर ये जो सोडा और एसिड मिलकर पक रहा है। तो फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये हम लास्ट होल तक पहुंच चुके हैं जिसके अंदर लास्ट एसिड डाला जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं इसको डालने के बाद हम बैटरी को पैक करेंगे, पैक करके इसे चार्ज पे लगाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये हम इसके अंदर 1250 एसिड और ये जो आपका खाने वाला सोडा इसे डालकर सेट कर चुके हैं। करने के बाद दोस्तों अब सबसे पहले हम बैटरी को पैक कर देंगे, पैक करके दोस्तों इसे लगाएंगे चार्ज पे कुछ समय के लिए। तो टाइमिंग हम अभी आपको बताएंगे कितने समय तक आपको बैटरी को चार्ज करना है। तो फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अब इस बैटरी को 2 घंटे चार्ज हुए हो चुका है। अब हम इसे निकालेंगे और बाइक के अंदर सेट करेंगे और आपको चला कर दिखाएंगे का वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है दोस्तों। फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम बैटरी को बाइक के अंदर लगा रहे हैं। अब इसके बाद लगाने के बाद हम बाइक को स्टार्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि बैटरी वर्क कर रही है या नहीं कर रही। पहले माइनस वाले वायर को लगाया जा रहा है, उसके बाद प्लस वाले वायर को। प्लस वाला आप लोग देख सकते हैं ये आपका रेड कलर का, माइनस ब्लैक कलर का।
जो दोस्तों बाइक है ये सुपर स्प्लेंडर। तो दोनों पॉइंट लग चुके हैं दोस्तों, अब हम बाइक को चालू करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये हमारी बैटरी लग चुके हैं, अब इसके बाद हम बाइक को स्टार्ट करेंगे। आप लोग देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम बाइक की चाबी को ऑन करेंगे और बाइक को स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। देख सकते हैं दोस्तों हमारी बाइक स्टार्ट हो चुकी है अच्छे तरीके से। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। दोस्तों देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से बैटरी भी साइड में लगी हुई है और बाइक हमारी स्टार्टिंग में है, तो बहुत अच्छे।